प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर पार्टी अपनी अपनी उठापटक में लगी हुई है। इसी के चलते आज बहुजन समाज पार्टी ने जनपद कासगंज के सहावर विधानसभा क्षेत्र में बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कस्बा सहावर के डॉक्टर ऋषिकांत सिद्धार्थ महाविद्यालय में आयोजित बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली के साथ तमाम बसपा नेता मौजूद रहे। सम्मेलन में बसपा राष्ट्रीय महासचिव ने मौजूदा भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को मौजूदा सरकार बेचती जा रही है। वहीं उन्होंने किसानों के मुद्दे पर कहा कि बसपा पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। इस दौरान उन्होंने अमापुर विधानसभा एक संयुक्त क्षेत्र के सोहनपुर चेयरमैन बसपा नेता सुभाष चंद्र शाके को आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया गया। देखिए, आज जनपद कासगंज की अमापुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था बहुजन समाज पार्टी के, जिसमें आदरणीय बहन जी के निर्देश पर इस विधानसभा से आने वाले 2022 में जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसका प्रभारी प्रत्याशी भाई हमारे जो सुभाष साख हैं उनको नियुक्त किया गया है। अगर बात करें तो पिछली दो बार विधानसभा चुनाव में बसपा कुछ करके दिखाना चाहिए, वो नहीं कर पाई, इसके लिए आगे क्या रणनीति रहेगी बसपा? देखिए, दूसरी पार्टियों की साजिश के तहत, दूसरी पार्टियों की रणनीति के तहत ये अभी तक बहुजन समाज पार्टी, यहाँ से पहले भी विधायक बना है बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन राजनीति के शिकार की वजह से यहाँ नहीं बन पाया। लेकिन इस बार भारी वोटों से हमारे विधायक जी जीतेंगे, सुभाष साके जी, और यहाँ से विधायक बनेंगे। वर्तमान में जो सरकार है वो किसान बिल लेकर आई है, उसके लिए लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो बसपा का क्या पक्ष, आपकी तरफ से क्या पक्ष है इसका? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायती जी ने हर मोड़ पे इन तीनों कानूनों का विरोध किया। आज भी इन तीनों कानूनों के विरोध में बहुजन समाज पार्टी खड़ी है और किसानों के साथ। अगर बात करें यहाँ से, आपने जो है अमापुर विधानसभा से साख के बाहुल में सीट मारी जाती है, दो बार यहाँ से मंदिर साख में बसपा से जीते हैं, लेकिन यहाँ से महानदल से सुमन साख के आने के प्रयास भी लगाए जा रहे हैं, फिर क्या आप कदम उठाएंगे पाएंगे? देखिए, साख समाज नहीं, सरो समाज के भाई जानते हैं कि जो चार बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली है, इस देश में रहने वाले, इस प्रदेश में रहने वाले जो कमज़ोर मजलूम बेसहारा लोग हैं, चाहे वो पिछड़े समाज के हैं, चाहे वो दलित समाज के हैं, चाहे मुस्लिम समाज के हैं, चाहे अपर कास्ट के गरीब भाई हैं, वो समझ चुके हैं अगर सबका हित है तो बहुजन समाज पार्टी में, चाहे चार साख हो चाहे एक साख हो, उससे कोई फर्क हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुभाष साख जी पर पड़ने वाला नहीं है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।